जैसे हर परिवार का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ऐसा ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बच्चन परिवार का भी है। बच्चन परिवार इन दिनों लगातार खबरों में बना हुआ है। पिछले 3 महीने से कहा जा रहा था ऐश्वर्या और अभिषेक अलग हो चुके हैं, दोनों साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहे। ये भी कहा जाने लगा कि अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी को बंगला तोहफे में दे दिया है। इस बात से बहू ऐश्वर्या नाराज हो गई और वो अपने मायके चली गई। तमाम तरह की बातें लगातार हो रही थी और इस पूरे मसले पर बच्चन परिवार ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन आपको बता दें कि एक दिन पहले ही परिवार ने उनके खिलाफ बोलने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने बता दिया कि हम साथ साथ हैं, हमारे परिवार में कोई दरार या कोई दीवार नहीं है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन दी आर्चीज फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर में अपने भाई अमिताभ बच्चन के साथ भी पहुंचे। अमिताभ बच्चन के साथ कहा जाता है कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वहां अमिताभ बच्चन अपने भाई के साथ बार बार गले मिलते और भाई का ख्याल रखते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ खबरें ये भी आती रहती हैं कि बच्चन परिवार के बारे में उनकी बेटी श्वेता जो है, उनके पति निखिल नंदा से उनका सेपरेशन हो गया है, दोनों अलग अलग रहते हैं। ये सच है कि श्वेता बच्चन को बहुत समय से अपने पिता के घर में रहते हुए देखा जा सकता है और कुछ ना कुछ ऐसी बात तो है। लेकिन निखिल नंदा जब उनके बेटे जो अगस्त्या नंदा बॉलीवुड में लॉन्च हो रहे हैं, तो अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए वो वहां पहुंचे। यहां भी बच्चन परिवार ने कहा कि हमारे जो दामाद हैं वो भी हमारे परिवार के साथ बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो चल रही है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच दूरियां आ गई, दोनों सेपरेट हो गए। कुछ लोग तो ये कहने लगे थे कि उनका तलाक होने जा रहा है, लेकिन बच्चन परिवार ने तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है, सबकी बोलती बंद कर दी है। और दी आर्चीज के ग्रैंड प्रीमियर पर अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। तो आज हम आपको बताएंगे कि बच्चन परिवार का अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कितना एक्टिव रहता है, इस बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी आने वाले एपिसोड में कॉफी विद करण के एपिसोड में श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन आने वाले हैं। उन्होंने अपने परिवार के बारे में ढेर सारे खुलासे भी किए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कुछ होता है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि उनकी जो फैमिली का ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं अमिताभ बच्चन सबसे ज्यादा मैसेजेस डालते रहते हैं और सबसे कम एक्टिव रहती है ऐश्वर्या राय। वो बहुत रेयरली किसी को जवाब देती हैं, अगर कभी जवाब देती भी है तो बहुत लेट से जया बच्चन जो है अपनी फैमिली में गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वाले मैसेजेस डालती हैं। इसके अलावा अभिषेक बच्चन भी एक्टिव रहते हैं। नव्या भी, अगस्त्या भी और अमिताभ बच्चन जो हैं सबसे ज़्यादा फॉरवर्डेड मैसेजेस देते, ये भेजने का काम है अमिताभ बच्चन का। इसके अलावा आपको बता दें कि इस फैमिली ग्रुप का एक नियम है कि परिवार में अगर कोई घर से बाहर जा रहा है तो वो ग्रुप में ज़रूर डालेगा कि वो कहाँ जा रहा है और कितने बजे लौट के आएगा। तो ये दिलचस्प बातें जो है श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन ने अपने परिवार के बारे में बताए। कॉफी विद करण में जो कि करण जोहर इन दोनों भाई बहनों से सवाल पूछेंगे। इससे पहले भी अभिषेक और श्वेता जो है कॉफी विद करण में आ चुके हैं और अपने परिवार के कई सारे राज उन्होंने खोले। तो इस बार भी बच्चन परिवार के बारे में और दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। पिछले 3 महीनों से बच्चन परिवार की खबरें हर रोज आ रही हैं। हर रोज कहा जा रहा है कि भाई ऐश्वर्या जो है अभिषेक के साथ पार्टीज में क्यों नहीं आ रही है, अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच अनबन चल रही है क्या, क्या बिग भी अपनी जायदाद का बंटवारा करेंगे, तो क्या आधी जायदाद वो अपनी बेटी को दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अपनी संपत्ति अपने दोनों बच्चों में बराबर बांटेंगे और उन्होंने अपना एक बंगला जो है वो अपने पहले से अपनी बेटी को दे दिया है। और अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी जो 3100 करोड़ की संपत्ति है इसका आधा बंटवारा उनके दोनों बच्चियों में होगा। और इसको लेकर कहा जाने लगा है कि ऐश्वर्या शायद इस बात के लिए राजी नहीं है और वो जो है अपने परिवार के मुखिया है उनके फैसले से खुश नहीं है और यही वजह है कि ऐश्वर्या अपने मायके चली गई। ऐश्वर्या का जब बर्थडे था तो वो अकेली थी, उनके परिवार और ससुराल की तरफ से वहाँ कोई नहीं था, उनकी मम्मी थी, उनके साथ उनकी बेटी थी। उन्होंने अपना बर्थडे केक भी अकेला काटा देर रात 11 बजे। जब उनके बर्थडे वाले दिन उनके पति अभिषेक बच्चन ने एक अनमना सा बर्थडे पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखा था, तो ये सब कुछ देखकर लगा कि क्या सचमुच में कोई प्रॉब्लम है इनके बीच। और उसके बाद से तरह तरह की बातें सामने आने लगी। उसके बाद अभिषेक बच्चन ने अपनी वेडिंग रिंग फिंगर जो थी उसमें उनकी रिंग भी गायब दिखाई दी। उसके बाद लोग पूछने लगे कि इनकी फिंगर में रिंग नहीं है, क्या इन्होंने अपनी शादी की अंगूठी उतार दी है। तरह तरह की बातें हुई, लगातार मीडिया में खबरें चलती रहीं और सिर्फ बच्चन परिवार की खबरें चलती रहीं। और अभी भी द आर्चीज के ग्रैंड प्रीमियर में जितने भी सितारे आए थे, शाहरुख खान आए थे फैमिली के साथ, करिश्मा कपूर आई थी, रणबीर कपूर अपनी मम्मी के साथ पहुंचे थे, तमाम बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन
किसी की चर्चा नहीं हुई, चर्चा हुई तो बच्चन परिवार की। बच्चन परिवार के बारे में लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन एक तरफ अब इस बातों पर विराम लग चुका है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच कोई अनबन है, क्योंकि दी आर्चीज की जो पार्टी थी वहां पर दोनों ने खुलकर बातचीत की। दूसरी तरफ बच्चन परिवार में भी ऐश्वर्या सबके साथ हंसकर मिलकर बातचीत कर रही थी। वो अपनी ननद के बेटे अगस्त्य को पोज देना सिखा रही थी कि कैसे पेपराजी के सामने पोज देना है, उनका वो मजाक भी बना रही थी। तो ये सब देखने के बाद लगा कि बच्चन परिवार में ऑल इज वेल है। फाइनली कहा जा रहा है कि ये जो सब कुछ भी है, अमिताभ बच्चन ने अपने पूरे परिवार को संभाला है, सबसे बातचीत की और जो भी थोड़े बहुत मसले थे कहा जा रहा है कि उनको सॉर्ट आउट कर दिया गया। और दी आर्चीज के ग्रैंड प्रीमियर पर पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया और वो तमाम बातें जो इस परिवार के बारे में आ रही थी, इस परिवार के बारे में तरह तरह की जो खबरें बन रही थी, उन तमाम खबरों पर फिलहाल के लिए विराम लगा दिया गया। फिलहाल इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।